अरे हाँ इसी से खोलिए ना। पापा आ गए, अब इसे तोड़ जाएगा। नमस्ते अंकल। तोड़ना ना भाई, खोलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाइकर्स बॉन्ड। आज हमारी बाइक 390 ड्यूक का सर्विस है, तो आज हम लोग अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकाले हैं और वो सर्विस करना है हमें, वो सेल्फ हम लोग सर्विस करते हैं अपनी बाइक की। तो आप लोग अगर खुद से सर्विस करना चाहते हैं तो आप लोग भी उसमें देख सकते हैं। और हम लोग आज आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें ड्यूक 390 में लगती हैं, एसेसरीज हमारे पास है और कौन सा इंजन ऑयल हम लोग डालते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए। फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग राइड और ये सब चीज़ें के लिए अच्छी रहती है। अब बाकी चीज़ें नितिन बताएंगे आपको क्या क्या है। और ओके, हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बाइकर्स बॉन्ड में। ये जो जगह आप देख रहे हैं बेसिकली हम लोग का फार्म हाउस है, इसी जगह हम लोग अपना ये बाइकर्स बॉन्ड का अड्डा बनाए हुए हैं। और प्रीतेश ने बताया आज हम सर्विस करने वाले हैं ड्यूक 390 की। तो सर्विस में इसके कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक एयर फिल्टर होता है जो हम चेंज करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे, उसके साथ हम चेंज करेंगे अपना ये ऑयल फिल्टर, बाकी वही चेन वगैरह थोड़ा सा टाइट करके बस यही सर्विस इसकी होती है। तो आइए फिर आपको ले चलते सीधे बाइक की सर्विस पे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम सर्विस करते हैं। तो मेन नितिन भी अभी बताएंगे कि किस तरीके से हम सर्विस करेंगे। सबसे पहले एयर फिल्टर चेंज करेंगे। एयर फिल्टर चेंज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पीछे वाली सीट निकालनी होती है और देन आफ्टर आगे वाली सीट हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 6 स्क्रू है, इसको हम ओपन करेंगे और इसके बाद फिर हम अपने एयर फिल्टर को जो कि KTM का है, जेन्युइन है, 258 रुपये इसकी MRP है, ये हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए एयर फिल्टर का हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब इसको हम ये उठाएंगे, ये देखिए आपका एयर फिल्टर है। इधर से तो साफ दिख रहा है, इधर से तो ये साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर इसके क्या होता है कि पीछे से ये गंदा रहेगा। अभी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये फुल्ली चोक्ड हो गया है, इससे आपके बाइक की माइलेज परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो प्लीज़ आप लोग 5000 या 8000 के किलोमीटर के बाद एयर फिल्टर को ज़रूर चेंज करें। अब मैं नए वाले को आपके साथ कंपैरिजन दिखाते हैं। ये लाओ, ये देखिए ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, दोनों में देख लीजिए कितना फ़र्क है। बैक साइड का भी देख लीजिए और फ्रंट साइड का। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली बस इसको जैसे इसको निकाला गया था इसको उसमें पुट कर देना। इसको लगाने के लिए बेसिकली ये दो पॉइंट होते हैं जिन्हें यहाँ पे घाट बना हुआ है, बस उसी में रख के इसको हमें जेंटली प्रेस कर देना है। एज अ लॉक टाइप है, आपको इसको प्रेस करना है हाई प्रेसली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश होने वाली है तो हम इसको जल्दी से ढक देते हैं ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। एयर फिल्टर देखिए इसका चेंज हो चुका है, अब हम सीट को फिर से लगा देंगे। ये फ्रंट सीट है। इंजन ऑयल अब हम लोग को चेंज करना है। इंजन ऑयल चेंज करने के लिए ये अपना ड्रेनेज बोल्ट होता है, इसको अभी ओपन करेंगे और जो पुराना इंजन ऑयल रहेगा उसको निकालेंगे हम किसी बर्तन में उसमें।
ये जो इसका फिल्टर है ये साफ कर लिया गया है। अब इसको हम इसमें इंसर्ट कर देंगे फिर से। देखिए अभी ड्यूक का जो मूवी निकाला था हम लोग, ये टूट गया, ये बोल्ट देखिए टूट गया। देखिए ड्यूक कंपनी का इतना कमजोर बोल्ट था कि चेंज करने में, टाइट करने में टूट गया। ड्यूक वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी चीजें ना लगाएं जिससे हम राइडर को दिक्कत हो। ये मान लीजिए हमारे सर्विस सेंटर पे दिक्कत हुआ कभी, या ये हम बाहर कहीं घूम रहे होते वहां मोबाइल चेंज करते, राइड पर अगर होता तो कितनी दिक्कत फील करनी पड़ती हम लोग को। ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड है हम लोग ड्यूक वालों से, केटीएम वालों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें दे प्रॉपर तरीके से दे। हम माना कि आपकी स्पेयर पार्ट बहुत सस्ता आते हैं, लेकिन इतना सस्ता मत दीजिए कि हमें दिक्कत होने लगे। वाकई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हम केटीएम से हैं। हमने अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यही चर्चा कर रहे थे कि केटीएम बहुत ही सस्ता स्पेयर पार्ट देता है। बाइक महंगी है बट स्पेयर पार्ट इसके सस्ते होते, लेकिन इतने सस्ते की क्या ज़रूरत है। ये देखिए बोल्ट इसका ये टूट गया है, ये बेसिकली कंतित का होता है। हम लोगों ने लग रहा है इस पे ज्यादा जोर लगा दिया। अब इसको ये नहीं, हमें नहीं लगता हमने जोर लगाया, वाकई दिक्कत तो है, इतना नहीं टूटता है क्योंकि ये अब इसको ये नया बोल्ट लाना पड़ेगा और इसके बाद आगे का फिर हम लोग मोबिल चेंज करेंगे। इसके बाद बाकी काम अभी करेंगे हम लोग। जो था ये टूट गया था तो अभी जो है ये दूसरा बोल्ट मार्केट से मंगाया गया है। ऑल्दो दिस इज नॉट ओरिजिनल बट यहाँ काम हम लोग का आज के लिए हो जाएगा। ड्रेनेज बोल्ट था, अभी हम क्या करेंगे, ये अपना होता है मोबिल इंजन ऑयल फिल्टर का बोल्ट, ये होता है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर लगता है, उस फिल्टर को भी हमें चेंज करना है। तो हम इसको अभी ओपन करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसको ओपन कर लिया गया है और इसके अंदर इसका ऑयल फिल्टर होता है जिसको भी हम निकाल रहे हैं। इसको भी चेंज करना पड़ता है एवरी टाइम, जब हम इंजन ऑयल को चेंज करते हैं तो ऑयल फिल्टर को भी चेंज कर देते हैं। अब इसको हम लोग इसमें टॉप अप करेंगे, उससे पहले इसको ओपन कर लिया। टॉपअप कर दिए हैं जिसमें पड़ता है वो 1.7 लीटर का इंजन ऑयल जो है वो पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मोटर का है, इसके लिए रिकमेंडेड है। राइट साइड हम लोगों ने ढीला कर लिया है, लेफ्ट साइड की तरफ आके लेफ्ट साइड। अब देखिए ये जो प्रोसीजर हो रहा है वो चैन टाइट करने का प्रोसीजर है। इधर छोटा सा एक वो लगा, इसे घुमा के टाइट किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने ड्यूक की सर्विस किया। सर्विस में हम लोगों ने सबसे पहले
एयर फिल्टर को चेंज किया। एयर फिल्टर चेंज करने के बाद हम लोगों ने इंजन ऑयल को चेंज किया। इंजन ऑयल को चेंज करने के बाद हम लोगों ने चैन को टाइट किया और बाकी कूलेंट वगैरह वो सब ओके है। ब्रेक पैड वगैरह वो सब भी अभी इसमें है, उसके भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करके इसके आपको साउंड में सुना देता हूँ। पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है बाइक। सर्विस करते करते दो तीन बार बारिश भी आई बीच में, तो हम लोग को सर्विस आधे पे छोड़ के जाना पड़ा। एक इंसिडेंट भी हुआ कि वो बोल्ट जो यहाँ का ड्रेनेज बोल्ट था वो टूट गया है। तो ये जो बोल्ट था ड्रेनेज बोल्ट, ये टाइट करते करते टूट गया था, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया। ये है वो बोल्ट जिसकी वजह से हम लोग को झेलना पड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बताएँ कि हमारी बाइक में क्या क्या एसेसरीज लगी है, तो आप कमेंट में बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो इस बारे में बनाएंगे कि हम लोग टूरिंग के लिए अपने बाइक पे कौन कौन सी एसेसरीज यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी ब्रांड की होती है, चाहे वो लाइटिंग की बात कर ले, हॉर्न की बात कर ले, पीछे जो आप स्टैंड देख रहे हैं उसकी बात कर ले। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए बाइकर्स बॉन्ड के साथ।